हमारे लोगों को मार जाएगा क्या कोई? राजपूत समाज ने अगर कुत्ता पाल रखा ना, अगर कुत्ता कभी किसी ने अंगली लगा दी, योर को यारे गहरे होंगे जिनको मार दिया और मरवा दिया, बराबर में लिटाएंगे, सरकार प्रशासन अपना काम करेगी, ठीक है? और ना तो हम कमजोर थोड़ी हैं, हम ले लेंगे बदला, हमारा भाई गया है और भाई क्या होता है वो हम करके दिखा देंगे। या कोई चीज तक किसी चीज तक कमजोर थोड़ी है, हम बोलते नहीं है किसी चीज से, किसी भी चीज में हम कमजोर नहीं है, सारी व्यवस्थाएं हमारे पास भी, सारी व्यवस्थाएं, और करके दिखाएंगे। नू तो कोई भी किसी ने मार जाएगा, ये और होंगे जिनको मार गए, और होंगे जिनके लिए कर दिया, ये राजपूत अब की बार, पहला राजपूत मारेगा ऐसे बता देंगे। अब ये गैंग वैंग ग्रुप है ना, हमने छोड़ दिए बड़ा बड़ा करके, ये समाज सेवा जो अब करने लगे हैं बता देंगे। प्रशासन ने करना पड़ेगा उनका एनकाउंटर, नहीं करा तो फिर एनकाउंटर करना, फिर हम नाचता है कैसे होता है एनकाउंटर? हमने जेल काटनी काट लेंगे, 10 साल 15 साल 20 साल 14 साल, जब करने वालों को डर नहीं है, हम क्या कभी डरे हैं क्या? अरे हम तो इतनी सी चीज हो जाती है ना, उसका बदला ले लेते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे एमपी हो, सारी जगह की जेल काट के बैठा हूं। इतनी सी चीज के लिए इतना भी अगर मेरे समाज में काटा लग जाएगा ना, तो भी बैन तो निस्तानभूत कर देंगे, ये तो मारे है हमारा, और मारा ना किसको बोलते हैं वो हम करके दिखाएंगे। ये सरकार ने एनकाउंटर करना पड़ेगा उनका, अगर नहीं करा एनकाउंटर जब तक उठेंगे नहीं। और राजस्थान में सभी जितने भी प्रदेशों के राजपूत है, दिखा देना है कि हमारी कौम क्या है, तुम सबके लिए लड़ते हम, तुम सबके लिए हमने घर छोड़ रखे हैं। राजस्थान में भी चुनाव, तो चुनाव होते ही उसी रात को मैं 3 तारीख को वहां से आ गया और मैं हिमाचल आ गया, मेरे को पता लगता तुरंत हम निकल रहे हैं यहां से, सीधा राजस्थान के लिए कुछ करेंगे, वहां आएंगे और वहां करके निर्णय लिया जाएगा। अरे ये जो मारना मरवाना ना, कोई बड़ी बात को नहीं, ये हम भी करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जब बीकानेर जेल में, जब दूसरी बार गया ना, दूसरी बार बीकानेर जेल में गया, मैंने आते के साथ में इनके जो चूरू के हमारा भांजा संदीप सिंह राठौड़, उसको मैंने फोन करके कहा कि सुखदेव सिंह को फटाफट लाइन पे लो, क्योंकि मेरे पास में जेल से निकलते, जैसे मैं जेल से बाहर निकला, मेरे पास में फोन कहां होगा जेल में से, मैं 12 या 12:30 के साथ मैंने कॉल करा, मैंने कहा कि जी आप जो है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाएगा और आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले भी अपने ही होंगे, आप थोड़ा ध्यान से रहना, ऐसे ऐसे बात है। और मैंने सीधा नाम ले दिया था उस व्यक्ति का जो आदमी ऐसा काम कराएगा, मैंने बताया था उनको। परसों परले दिन भी फोन पे बात हुई सुखदेव जी से, मैंने जब भी कहा कि दादा भाई साहब आप अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना। अरे कोई नहीं है, वो तो जो हो गया ना अब तो हो गया, लेकिन वो काम, ये नहीं है कि हम भाई ऐसा बैठ जाएंगे, ये नहीं है कि हम फेसबुक पे बोल लेंगे या हम वहां पर आंदोलन में इकट्ठे होंगे। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ समाज के लोगों को, जो समाज के संगठनों के लोग हैं वहां बैनर लगा के ना, कोई वहां पर कोई स्वागत प्रोग्राम नहीं है, कहीं वहां बैनर लेकर के आओ और कहीं उनको के फलानी मसैना से फलानी संगठन से, और बोल बाल कर अपने फोटो वीडियो करा क्लिक करा के चलो, जब तक बैठा रहना है, जब तक उनका खात्मा नहीं हो जाता उन आतंकवादियों का, जब तक वहीं बैठा रहना पड़ेगा। और ना तो तुम नहीं बैठे, साथ नहीं दिया, अगर उनका एनकाउंटर नहीं हुआ, ये तो राजस्थान आकर के घोषणा करेंगे, राजस्थान के लोग राजस्थान को बंद करेंगे, हरियाणा के लोग हरियाणा को, गुजरात के गुजरात को, एमपी के एमपी, यूपी, पूरे प्रदेशों को बंद कर दो, बैठ दो, सब कुछ रोड के ऊपर भिज जाओ, जब जाकर के ना एनकाउंटर होगा। अगर एनकाउंटर नहीं हुआ तो फिर क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जैसे जो समाज जो ड्यूटी लगाएगा, वो केंद्र राणा अपने आप को समाज के लिए समर्पित करने के लिए तैयार है हर प्रकार से। फटाफट सभी वहां पहुंचे, आने लग रहे हम भी।